प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का हिंदी विषय। पाठ संख्या है 11। पाठ का नाम है चतुर तेनालीरामन। राजा कृष्णदेव राय अक्सर अपने दरबारियों की परीक्षा लेते रहते थे। दरबारी तेनालीरामन हमेशा अपनी बुद्धिमानी व हाजिर जवाबी से उसमें खरे उतरते थे। आओ पढ़कर जाने कि इस बार तेनालीरामन ने किस तरह अपनी बुद्धिमानी दिखाई। राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबारियों की परीक्षा लेनी चाही। एक बार उन्होंने तेनालीरामन सहित सभी दरबारियों को 10-10 अशर्फियां देकर कहा, ये अशर्फियां आपकी हैं, इन्हें आप अपने ऊपर ही खर्च करें, मगर हर एक अशर्फी हमारा मुंह देखकर खर्च की जाए। सभी दरबारी अशर्फियां पाकर बहुत खुश हुए। अपनी अपनी अशर्फियों से भरी थैलियां लेकर वे चले गए, मगर बाजार में जाकर जैसे उन्होंने कुछ सामान खरीदना चाहा, वैसे ही परेशान हो गए। परेशानी यह थी कि अशर्फी खर्च करने से पहले महाराज का मुंह कैसे देखें। सभी दरबारियों की यह स्थिति थी, वे बेहद परेशान हो उठे। जो काम जितना आसान था अब उतना ही टेढ़ा लग रहा था। क्या करें क्या करें, इसी उलझन में एक सप्ताह बीत गया। सभी दरबारी महाराज के पास पहुँचे। महाराज ने पूछा, किसने क्या क्या खरीदा? क्षमा करें महाराज, हम कुछ भी नहीं खरीद पाए, खरीदते भी कैसे? आपकी शर्त ही ऐसी थी, बाजार में हम आपके दर्शन कैसे करते, इसीलिए कुछ भी नहीं खरीद सके, सभी दरबारियों ने कहा। तभी तेनालीरामन वहां पहुंचे, ऊपर से नीचे एकदम सजे धजे, नए कपड़े, नई पगड़ी, गले में मोतियों की माला, सब कुछ एकदम नया। राजा ने पूछा, तेनाली तुमने क्या खरीदा? महाराज आप स्वयं ही देख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक सब नया है, तेनाली रामन ने मुस्कुराते हुए कहा। राजा कृष्णदेव क्रोधित होकर बोले, इसका मतलब है कि तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया। दरबार में बैठे तेनाली रामन के दरबारी शत्रु यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा, आज तो तेनाली फंस गया, आज उन्हें अवश्य सजा मिलेगी। मगर तेनालीरामन तो थे ही सबसे बुद्धिमान, वे मुस्कुराते रहे। इससे पहले कि राजा कृष्णदेव कुछ और कहते, वे बोले, बिल्कुल नहीं महाराज, मैं आपकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं किया है, मैंने आपकी प्रत्येक अशर्फी आपका पावन मुख देख के ही खर्च की है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, मगर कैसे, हम तो राजमहल में थे। तेनालीरामन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप भूल रहे हैं कि प्रत्येक अशर्फी पर आपका चित्र अंकित है, मैंने उसे देख देख कर ही अशर्फियां खर्च की हैं। वाह वाह बहुत खूब, राजा कृष्णदेव ने तेनालीरामन की दिल खोल कर प्रशंसा की। अन्य सभी दरबारी तेनालीरामन की चतुराई देखकर हक्के बक्के रह गए। इसी के साथ हमारी यह कहानी पूरी होती है। अब हम इसका अभ्यास देखते हैं। शब्दार्थ, दरबारी दरबार में बैठने वाले, अशर्फी सोने का सिक्का, उल्लंघन करना नहीं मानना, शत्रु दुश्मन, पावन पवित्र, आश्चर्य हैरानी, अंकित छपा होना, प्रशंसा तारीफ। हक्का बक्का होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है हैरान होना। कुछ और प्रश्न देखते हैं। तेनालीरामन किसके दरबार में थे? वे राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे। राजा ने दरबारियों को कितनी कितनी अशर्फियां दी? 10-10 अशर्फियां। अशर्फियों पर क्या अंकित था? राजा का चित्र। कुछ और प्रश्न देखते हैं। राजा कृष्णदेव राय अक्सर क्या करते थे? वे अक्सर अपने दरबारियों की परीक्षा लिया करते थे। अशर्फियां खर्च करने में क्या परेशानी थी? खर्च करने में यही परेशानी थी कि राजा का मुख देख करके ही आप अशर्फियां खर्च कर सकते थे। तेनालीरामन ऊपर से नीचे तक किस प्रकार सजे धजे थे? तेनालीरामन ऊपर से नीचे नई पगड़ी, मोतियों की माला आदि वस्त्रों से सजे धजे थे। तो इसी के साथ हमारी यह कहानी पूरी होती है। अगर आपको यह पाठ समझने में कोई भी कठिनाई हुई हो तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। स्टडी बस से पढ़ने के लिए धन्यवाद।